जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल एट योर होम। अभी ये बारिश यहाँ पे मुंबई में स्टार्ट हो गई है और जो है मार्केट भी लास्ट 1 वीक से ऑड इवन में खुल रहा है। हम भी जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए, तो ऐसे जाते हैं दो दो ढाई ढाई महीने के बाद लोगों से मिलने, तो पब्लिक का एक मिक्स रिएक्शन आ रहा है कुछ कुछ चीज़ों का। अभी जो जो लोग जहाँ के हैं, कुछ लोग राजस्थान के हैं, तो वो लोग वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बातें कर रहे हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। जो लोग यूपी के हैं वो लोग वैसी बात कर रहे हैं। जो लोग तो अभी सब लोग इकोनॉमी से रिलेटेड या इस तरीके से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अभी हम जाते हैं तो अभी तो इतना कुछ बिजनेस नहीं हो रहा है किसी के पास, बट मिलना जुलना कंटिन्यूटी में स्टार्ट किया है थोड़ा 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 करके। तो पहले काम वाम का बात करने के बाद उसके बाद रेगुलर ऐसे जनरल टॉक होता है, तो उसमें ही कुछ एक शुक्ला जी करके हैं, हमारे बैग के डीलर हैं मुंबई में, नेरुल में उनका शॉप है, तो हमारे चैनल पार्टनर भी हैं और हमारे ब्रांड का भी सेल करते हैं। तो उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग बातें बोली तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। मैंने बोला चलो शुक्ला जी आप बोलो, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, आप इतनी अच्छी बात बोल रहे हो तो हो सकता है आपका मैसेज कुछ वैसे लोगों के पास जाए जिनको अच्छा लगे वो बात सुन के। तो मैंने उनकी बातों को रिकॉर्ड किया और मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि शुक्ला जी क्या बोले। अभी आगे की वीडियोस में, मतलब आगे उनका वीडियो कंटिन्यू हो रहा है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के शुक्ला जी हैं। इनकी मुझे एक बात अच्छी लगी कि इन्होंने जो भी बात बोली है वो स्पष्ट रूप से बोली है, और स्पष्ट रूप से बात बोलने की वजह से मैं इनकी कुछ बातें आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। जी थोड़ा जोर से बोलिएगा, विदाउट माइक है आप। हाँ, तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब योगी सरकार अच्छा काम कर रही है? योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और दूसरा इधर सब रोजगार भी उत्पन्न कर रही है। दूसरा कैसा है, जो यहाँ से मजदूर भाई लोग सब ये लोग गए हैं, उनको राशन पानी से लेके पैसा वैसा तक बहुत अच्छा से सब देखभाल कर रही है, और आने वाला दिन बहुत अच्छा उधर होने वाला है या कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि बहुत अच्छा काम हो जाए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो पब्लिक यहाँ से चली गई है, जो हमारे मजदूर भाई सब चले गए हैं और उत्तर प्रदेश में जाके अपने गाँव में चले गए, तो वो यहाँ से अच्छी जिंदगी जिएंगे? उम्मीद है कि बहुत अच्छा, वो लोग बोल रहे हैं जो गए हैं अभी तक, फोन वगैरह आते हैं ऐसा कुछ ये है, तो वहाँ बहुत अच्छा अभी चल रहा है उन लोग का। अब आगे उम्मीद यही है कि और अच्छा होने वाला है। ओके, मतलब आप कुल मिला के ये बोलना चाहते हैं पूरा ठप हो गया है और आगे उम्मीद अब लगा के बैठे हैं कि होए, ऐसा नहीं है कि नहीं होए, भगवान से ही बनाते अच्छा काम होए, लेकिन अब उम्मीद पे ही कायम है, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, ना तो कस्टमर एक आ रहे हैं बैठ के खाली। अब देखो उनके ऊपर है, अच्छा हो जाए सब यही। हाँ, मतलब आप जल्दी से जल्दी भगवान से दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए, अच्छी बात है। भाड़ा वीड़ा सब चालू है, भाड़ा का कोई काम का तो कुछ कश्ती नहीं है, अब आगे कुछ होगा ही नहीं तो कैसे क्या होगा। लेकिन शुक्ला जी बैंक ने तो फैसिलिटी दिया था ना? बैंक का फैसिलिटी अभी तक तो बैंक गया नहीं, ना बैंक से कोई बात नहीं, अभी तक तो बैंक से कोई संपर्क नहीं हुआ है। ओके, आगे क्या होता है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि जो मजदूर भाई लोग गए हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में फ्यूचर में उन लोगों को वहाँ रोजी रोजगार भी मिले। हाँ जी, वहाँ उनको, और वो लोग अच्छा जीवन वहाँ पे अच्छा जिएंगे। जीवन जी रहे हैं, फिलहाल जो फोन वगैरह आ रहे हैं अभी संपर्क जितना भी हुआ है वो लोग अच्छा ही बोल रहे हैं अभी तक तो। मतलब आपको सूचना मिल रही है डायरेक्ट वहाँ से? फोन भी करते रहते हैं। ओके ओके, ट्रेन वगैरह का फ्रिक्वेंसी मुंबई में बहुत फास्ट होता है, और दूसरा चीज की मुंबई का जो लाइफ लाइन है वो ट्रेन पे ही डिपेंड है, सो जब तक ट्रेन नहीं स्टार्ट होगी तब तक मुश्किल है। और अभी आप देख लीजिए दिन का 2 बज रहा है, 2:10 जैसा हो रहा है, और पूरा मार्केट जो सुबह जितनी चहल पहल थी उतनी अब कम हो चुकी है, ऑलरेडी काफ़ी पब्लिक रोड पे कम दिख रही है। सो इस तरीके का कुछ माहौल है, मतलब जब तक आप ये समझ सकते हैं कि मतलब मार्केट में ऑड इवन भी खुल रहा है, लेकिन अभी मैं मॉर्निंग से इधर आ गया था मान लीजिए मार्केट में, लेकिन पब्लिक का जो है वो जिस तरीके का क्राउड होना चाहिए उस तरीके का क्राउड अभी नहीं है फिलहाल। ऐसा माइक है क्या आपके पास?
नहीं है। और वो 0.3 mm का जैक है क्या, स्टॉक नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अरे यार, बंद है, ट्रांसपोर्ट चालू होगा तब आएगा। अच्छा, ट्रांसपोर्ट की वजह से नहीं आ रहा है ये तो। और वेबकैम तो आप पहले बोल दिए नहीं है। वेबकैम कहाँ होएगा, जितने स्कूल का बच्चे इतने वेबकैम चाहिए। अच्छा, मतलब स्कूल के बच्चे जो पढ़ाई करने के लिए लेके गए, बहुत लेके गए, 10 साल में नहीं बिका है, नहीं इतना वेबकैम बिका 7 दिन। अच्छा, आपने लॉकडाउन में दुकान बंद नहीं किया था? बंद ही है आपका, बंद था, बंद ही रहेगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आप बोले एसेंशियल आइटम बोल के आपने खोला रहेगा। अच्छा, ये हमारे पटेल काका हैं और इनका ही वो बैग का शॉप है आगे वाला, ये ओनर हैं, ये भी इनका दुकान है। मुझे एक हेडफोन का ज़रूरत था तो मैं इनके पास चला आया, बट इनके पास भी स्टॉक नहीं है। ठीक है काका, आप मंगा के मेरे को देना, दीपक से मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो देखा आपने कैसे शुक्ला जी ने अपने विचारों को व्यक्त किया। उनकी कोई पॉलिटिकल राय नहीं थी ये, बट उनको जो फीडबैक ये आ रहा है उसके बेसिस पे उन्होंने बोला। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुआ है ना कि मोस्ट ऑफ द जो शॉप्स हैं वहाँ पे यूपी वगैरह के लड़के काम करते हैं या राजस्थान के लड़के काम करते हैं जो इस टाइम चले गए हैं गाँव। और मेरे बहुत से जानने वाले दुकानदारों के दुकान पर मैन पावर का इशू हो गया है, तो अभी उनको क्लीन भी खुद ही करना है दुकान, सेल भी खुद ही करना है और कस्टमर को अटेंड भी खुद ही करना है। तो ऐसा था, वो मैंने आपको शेयर किया। होप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक अपने घरों में सेफ रहिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए। जय हिंद, जय भारत।